अब जन को माखे भटमानी क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। मुझको लगता है कि ये पूरी वसुंधरा ही मानो वीरों से विहीन है। इस वसुंधरा में ही शायद कोई वीर नहीं रह गया। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी महाराज बगल में बैठे हुए थे, मानो बाण लग गया हो हृदय में, छाती चीर के निकल गई हो उनकी ये वाणी। माखे लखन कुटिल भई भाव है, फरकत रट रद पट फरकत नयन रिसो है। एकदम भ्रगुटी टेढ़ी हो गई, अधर फड़फड़ा रहे हैं माताओं बंधुओं। भगवान बगल में बैठे हुए हैं, बड़ा भाई बैठा हुआ है, किस प्रकार से बोले समझ भी नहीं आ रहा है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रवान। भगवान के चरणों में गिरे और कहा प्रभु ऐसा है भैया, आप ये सब सुनने रहे इतना। कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मनी जानी। आपके सामने होते हुए ये इतना कह गया जनक, वीर भी मही में जानी ऐसा कह गया। जो राउर आयसु मैं पावो, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिमि डारो फोरी, और सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। ये धनुष की बात कर रहे हैं। अरे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं मैं पृथ्वी को, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, धनुष की बात कर रहे हैं ये। कमल नाल जी मी चाप चढ़ावो, जैसे कमल का डंडा उखाड़ा जाता है ऐसे इसको निकालो। और कह रहे तिलभर भूमि न चढ़े सकई छड़ाई, तो जो जन सत प्रमाण लय धावो। सौ जो जन तब भाग जाऊं मैं। आप कैसी बात कर रहे हैं, इतनी बात आपके सामने कह गए जनक। ये मेरा नहीं है, आपका अपमान है, मैं सह नहीं सकता। प्रभु जो जन सत प्रमाण लय धावो। तो भगवान सुन रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, तुम बैठो, हमको आपको क्या लेने देना। लक्ष्मण हमारे आपकी क्या बात है इसमें, भाई हम लोग यहां कोई धनुष तोड़ने थोड़ी आए। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अभी आप लोग कथा सुनने आए हैं, और भगवान ना करे यहाँ पे भी हमारा जो सेक्टर 14 में शिविर लगाए, वहां जब कई बार ऐसा हो जाता है कि कथा के बीच में ही स्वामी जी या हमारे यहाँ कभी हम या कोई अव्यवस्था को लेकर के अपने लोगों को कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, वो तो उसका ध्यान नहीं रखा गया रात में, आप लोग आज शाम को देखिएगा कि वहां पे वो अव्यवस्था ना हो जाए। कल मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसी अव्यवस्था हो गई वहां पे, आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो जो महाराज जी या स्वामी जी या हमारे यहाँ या जितने शिविर हैं उसमें स्वामी जी लोग जब कहते हैं अपने लोगों को, तो जो कथा सुनने आए हैं वो उस बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। वो कहते हैं हमें थोड़ी कहा गया भाई, हमें क्या लेना देना, ये तो उनकी व्यवस्था है, उनके लोगों को डांटा जा रहा है। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों बुरा मान रहे हो, हम लोगों को थोड़ी कहा जा रहा है, हम कोई धनुष उठाने थोड़ी आए हैं, हम तो तमाशा देखने आए केवल। भाई धनुष यज्ञ में जिन राजाओं को बुलाया गया है उनको बुरा लगे, जब हम पहलवानी दिखाने ही नहीं आए तो हमें किस बात का उसमें चिंता। भाई धैर्य रखो, तुम क्यों टेंशन इतनी ले रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तो फिर तो ठीक ही कह रहे हैं जनक, हैं आपको बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं लग रहा। नहीं नहीं लक्ष्मण बिल्कुल नहीं लग रहा। लक्ष्मण जी कहते हैं फिर तो ठीक है भैया, भूपति विदेह कहीं नहीं कि ये जो भाई है। गीतावली बालकांड में गोस्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं, बड़े ही समाज आज राजन के लाजपति, हाकिया को एक ही पिनाक छीन लई है। इस पिनाक ने सबकी नाक कटवा दी प्रभु, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरो अनुचित न कहत लरखाई बस, पन पर मीति और भांति सुनी गई है। मैं तो बच्चा हूं, मेरा कहना ठीक नहीं लगता भैया। न दरु चढ़ायो चाप, न दरु प्रभु प्रताप, उतरी चढ़ायो चाप, देखो देतो पै दिखाई बल, लेकिन फल पाप मई है। अभी बल दिखा देता लेकिन उसका जो फल है ना
बड़ा पाइप में है इसलिए मैं नहीं कर सकता। अब आप कुछ बोल नहीं रहे, आपके रहते हुए मैं कैसे सुन लूं। राम जी ने कहा अच्छा आप बैठो देखते हैं। तब तक विश्वामित्र जी महाराज, माताओं बंधुओं, विश्वामित्र जी यही देख रहे थे कि सब हो तो गए। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई पता लगा राम जी को जाके खड़ा कर दें, प्रभु श्री राम जाके धनुष तोड़ दें और उसके बाद जितने लोग हैं उनमें से कोई कहे कि हम तो बच गए थे, हम तोड़ देते, हम हकदार थे, अब आपने कैसे कर दिया पहले। तो पहले तो विश्वामित्र जी ने देखा कि कोई बचा तो नहीं, सब हो गए। फिर क्या देखा, फिर ये देखा कि एक घटना और हो गई थी। घटना ये हो गई थी कि धनुष को रोकने के लिए रावण ने दो लोगों को लगाया था। रावण विद्वान था, जोशी था, वो जानता था कि धनुष टूटेगा, विवाह होगा, तत्पश्चात वनवास की परिपाटी रची जाएगी और सब मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने दो लोगों को भेजा, पहले तो भेजा शनि भगवान को। तो शनिदेव जाने लग गए तो सूर्य भगवान ने कहा जा रहे हो, कहा वो रावण के यहाँ धनुष रोकना है। नहीं नहीं बैठिए, सूर्य वंश में आपका जन्म हुआ है और भगवान श्री राम का भी सूर्य वंश में जन्म हुआ है, इसलिए आप ये सब काम नहीं करेंगे, आपको नहीं जाना। तो रुक गए। दूसरा भेजा था राहु को, नृप भुज बल विधु और शिव धनु राहु, दूसरा राहु को भेजा था। तो माताओं बंधु, राहु को जब भेजा तो राहु बैठा था पकड़ के धनुष। तो जनक जी ने देखा कि राहु बैठा है, अभी विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि ऐसा है पहले इस राहु को हटवाओ, तब जाकर के भगवान श्री राम को हम खड़ा करें, ये लगा है चौकीदारी में। तो माताओं बंधुओं क्या हुआ कि जनक जी ने बोलना शुरू किया आखिरी में, अरे बोले बस आप घर जाइए, आप कोई धनुष यज्ञ नहीं करना हमें, जैसे हम लोग कहते हैं ना पार्टी ओवर, अब अपने अपने घर जाइए। बोले तज हुआस निज निज ग्रह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैधे ही विवाह, कोई विवाह विवाह नहीं लिखा है, सब लोग अपने अपने घर जाइए। तो राहु ने सोचा कि भाई विवाह नहीं लिखा है तो जब सब घर जा रहे हैं तो हम भी घर चले। तब तक उसको याद आया कि भाई हमें विवाह होने के लिए थोड़ी यहाँ भेजा है, कोई भोजन करने के लिए विवाह में, हमें तो कहा गया है कि धनुष को रोकना है, धनुष ना टूट पाए, विवाह से हमें क्या लेना देना, क्या मालूम धनुष टूटने के बाद भी विवाह ना हो, ऐसा भी हो सकता हो। तो राहु ने सोचा नहीं हम तो रुके रहेंगे भाई। विश्वामित्र जी ने फिर जनक जी की ओर देखा, ये गया नहीं राहु। तो जनक जी ने भी देखा राहु नहीं गया, इंजेक्शन कारगर नहीं हो रहा, क्या मामला है। तो जनक जी ने दूसरा फेंका फंदा, बोले कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, और पावो निहार बिरंची जनु रचेउ न धनु दमनीय। ना विवाह लिखा है जानकी जी का और ना ब्रह्मा जी ने धनु दमनीय, धनुष को तोड़ने वाला भी कोई नहीं बनाया है। तब राहु को लगा कि भाई ना विवाह लिखा है ना धनुष को तोड़ने वाला लिखा है, तो हम क्यों जबरदस्ती हमारी ड्यूटी लगा रखी है, जब कोई काम ही नहीं हमारा, जाओ घर जाके सोए। तो राहु उठा और राहु निकल के अपने घर गया। तो जैसे ही राहु काल गया, माने राहु है अशुभ समय, अशुभ काल, जैसे ही राहु उठ के निकला, अशुभ समय गया, तैसे ही विश्वामित्र समय शुभ जानी, समझ गया शुभ समय आ गया। बोले अति स्नेहमय बानी कि उठहु राम, उठ जाओ राम। तो राम जी ने कहा प्रभु गुरुदेव क्यों उठ जाए, बोले राम इसलिए उठ जाओ कि सब उठ गए, केवल दो लोग बाकी हैं उठना, एक तो ये धनुष नहीं उठ रहा है और दूसरा तुम नहीं उठ रहे हो, बाकी यहाँ कोई बचा नहीं जो उठे बिना ना माना हो, सब उठे जा रहे हैं, केवल दो ही लोग बाकी हैं। उठहु राम भंजउ भव चापा। तो राम जी ने कहा प्रभु सब कुछ कर लूंगा मुनिवर, लेकिन ये आज्ञा नहीं मान सकता। क्यों? कहा गुरुदेव इसलिए क्योंकि धनुष यज्ञ के साथ विवाह जुड़ा हुआ है, भाई धनुष उठाते ही जनक जी ने प्रण लिया है कि विवाह कर देंगे और विवाह में माता पिता की उपस्थिति रहना अनिवार्य है, वरना कल को माता कौशल्या क्या कहेंगी, माता कि भाई राम आप इतने विवाह के लिए लालाहित थे कि हमारी कोई आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी और जाके तुरंत धनुष उठा दिए लपक के कि टूट जाए, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम राम जब तक बात विवाह की थी तब तक मैंने आपको नहीं छेड़ा, कुछ नहीं कहा,
लेकिन राम एक पिता का स्वप्न होता है कि उसकी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो। जनक जी ने प्रण लिया है कि जब तक धनुष नहीं उठेगा तब तक अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, और धनुष उठ नहीं रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटी का विवाह इस प्रकार से ना हो पाए। और यदि धनुष नहीं उठा तो इस दुख में कहीं लड़की का पिता फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या न कर ले। कहने का अर्थ है विवाह की बात नहीं है, अब जनक जी के प्राण बचाने की बात है। का क्या बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा। कहा विवाह करने के लिए? कहा नहीं नहीं, जानकी जी से विवाह के लिए नहीं, अब तो मेटहु तात जनक परितापा। अब तो जनक जी के लिए उठ जाओ तो ठाणी भये, उठ सहज सुहाए और ठवनी जुआ मृगराज लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पारी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। सब लोग मना रहे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई। और तोर ही राम गणेश गोसाई। प्रभु ऐसी कृपा कर दो, राम जी धनुष तोड़ दें किसी प्रकार, प्रभु श्री राम धनुष तोड़ दें। अब माताओं बंधुओं सब मना रहे हैं, राम जी चले जा रहे हैं। अब माताओं बंधुओं, राम जी को जाते जाते सबसे पहले तो माता जानकी की माता ने देखा, माता सुनैना ने, ध्यान दीजिएगा। माता अपने बच्ची के हृदय की बात, बच्चों के हृदय की बात समझ जाती है, तो माता सुनैना की नजर पड़ गई, माता जानकी के भाव को समझ गई थी। माता सुनैना ने कहा, देखिए ऐसा है, कोई धनुष मनुष्य यज्ञ नहीं होगा। वैसे भी अब कोई जब नहीं बचा, सब लोग हार ही गए हैं, धनुष कोई नहीं उठा पाया, तो ये आखिरी बचा है युवक, क्यों ना हम इस वर्ष से विवाह कर दे, अब कोई धनुष धनुष नहीं उठेगा। और सखी, अब देखिए माता सुनैना ने जीवन का दर्शन कहा है, समाज का दर्शन। माताओं बंधुओं, माता सुनैना कहती है, देखो ये क्या समाज ये सारा यही चाहता है ये कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, बस मेरी बेटी के कुंवारे रहने का तमाशा देखने के लिए समाज आया है। ध्यान दीजिएगा, माता सुनैना कह रही है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। ये सब हमारे हितैषी कहलाते हैं, आज तमाशा देखने के लिए यहाँ खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, जो आपके अपने होंगे ना, उनमें दो ही चार ऐसे होंगे कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो वो खड़े रहेंगे आपसे कंधे से कंधा मिला के, वरना ज्यादातर लोग तो यह तमाशा देखने के लिए इंतजार करते हैं कि कब ये कितने बर्बाद हो जाएं और कब हम आए इनको देखने के लिए, इनका हालचाल लेने के लिए। मदद करने कोई नहीं आएगा, हालचाल लेने जरूर आ जाएंगे। समाज का दर्शन कह रहे हैं, को ना सिखाई कहीं गुरु पाही, कि ए बालक असि हठ बल नाही। ये छोटा सा बालक कहां से उठाएगा धनुष, इसको देखो। अरे जब बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा पाए तो इस बालक की क्या बिसात। यहाँ रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, और बाल मराल की मंदर ले ही। ये छोटा सा हंस, हंस का बच्चा क्या मंदरांचल उठा सकता है? क्या मंदरांचल उठा सकता है हंस का बच्चा? माताओं बंधुओं, माता सुनैना बड़ी दुखी है, माता सुनैना बहुत दुखी है। तब तक बगल में सखी बोलती है, अरे माता आप चिंता मत करो। बोली चतुर सखी सुनी बानी। आपने क्या कहा, ये बाल मलार है, ये छोटा है, देखने पे मत जाइए, इनके देखने पे मत जाइए। और माताओं बंधुओं, सखी कह रही है माता सुनैना से कि किसी के भी देखने पे मत जाइए। बहुत सुंदर बात है, कहा आप केवल इनके देखने पे जा रही हैं,
तेजवंत लघु गनीय नरानी। किसी को कभी छोटा मत आकिएगा उसके देखने पर। कोई यदि ठीक कपड़े नहीं पहने हैं या कोई यदि बड़ी गाड़ी से नहीं चल रहा है या कोई बहुत पैसे वाला नहीं है तो ऐसा मत समझ जाइएगा कि उसके प्रभाव में उनके कपड़ों से या उनके पैसों से या उनकी बड़ी गाड़ी से कोई फर्क पड़ने वाला है। हम लोग के साथ यही है। तेजवंत लघु गनीय नरानी क्योंकि कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा। कहां एक अगस्त मुनि थे और कहां इतना बड़ा समुद्र। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा सोखे सुजस सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य एक थाली के समान लगता है आकाश में लेकिन उभय तासुति भुवन तम भागा। लेकिन जब प्रकाश होता है ना तो पूरे तीनों लोकों के अंधकार को मिटा देता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व और महामत गजराज कहा बस कर अंकुश खर्व। और बड़े बड़े हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन है सकल विश्व अपने बस कीन है। कामदेव तो फूल का धनुष लेके चलते हैं लेकिन सारे विश्व को अपने बस में किए हैं कि नहीं। इसलिए कभी किसी के देखने पे मत जाइए। माता सुनैना को समझा रहे हैं। उधर माता जानकी सोच रही हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनसे धनुष ना उठ पाए। लाओ मैं ही विनय कर लूं फिर से। तो मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु अपन करहु सुफल आपन सेवकाई करहित हरहु चाप गरुआई। अरे गण नायक माता जानकी बना रही हे प्रभु गणेश गण नायक बरदायक देवा और आज उलागी किन्हीं तू सेवा। हरे हे गणपति भगवान किसी प्रकार से धनुष जुड़वा दो। गणेश जी ने कहा माता कोई और बात आप कहती तो मैं जरूर कर देता लेकिन धनुष नहीं तुड़वा पाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए माता कि ये धनुष मेरे पिताजी का है और हमारे सनातन धर्म के संस्कार में बच्चा माता पिता की संपत्ति को बढ़ाए वो तो समझ में आता है लेकिन संपत्ति का और नाश कर दे ये काम मैं नहीं कर सकता। ये वरदान आप किसी और से मांग लीजिए। क्या करें क्या करें? तो माता जानकी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब गणेश भगवान ही श्री गणेश करने से मना कर रहे हैं तो माता जानकी गई माताओं बंधुओं और जाकर के उनने सोचा लाओ मैं ही बता दूं सबको कि मुझे मैंने इनको पसंद कर लिया है मैं इनसे ही विवाह करूंगी। कोई धनुष वनुष को मैं नहीं मानती किसी धनुष यज्ञ को मैं नहीं मानती। गई और जाकर के उन्होंने माइक पकड़ा और बोलना ही चाह रही थी अभी तक पहले मन में सोच रही थी। अह तात दारुण हठिठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। पिताजी को भी क्या हो गया है पिताजी भी नहीं समझ रहे। धनुष की तरफ देखते हैं। धनुष तुम ही मदद कर दो आखिरी बात है। धनुष हल्के हो जाओ थोड़े से हल्के हो जाओ। माता जानकी कहती है कुछ हल्के हो जाओ। तो धनुष कहता है माता क्या बात है। धनुष कहता है माता मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं लेकिन ये तो बताइए मैं हल्का कितना हूं। अरे तोला माशा की किलो की ग्राम कितना हल्का हूं कुछ तो बताइए। तो माता जानकी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती धनुष की कितने हल्के हो जाओ लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूं कि अगहन के महीने में पुष्प वाटिका में प्रातः काल एक दोना फूल उठाने पे जिनके माथे से पसीना टपक रहा था उनमें कितनी ताकत है ये समझ के आप हल्के हो जाइए। ध्यान दीजिएगा भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई उनकी ताकत देख लीजिए और उतने हल्के हो जाइए। सकल सभा के मति भई भोरी और अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कहा कितने हो जाऊं और ये मैं अपना वजन कहां ले जाऊं? बोले ये निज जड़ता लोगन पर डारी हो हर रघुपति ही निहारी। उनको देख लीजिए और समझ जाइए। कहा ठीक है माता आने दो
माता जानकी विनय कर रहे हैं किसी प्रकार धनुष हल्का हो जाए। धनुष ने तो कह दिया लेकिन माता जानकी को बस धनुष 10 मिनट में महाराज जी मैं धनुष का करेंगे। माताओं बंधुओं धनुष ने तो आश्वासन दे दिया लेकिन माता जानकी ने सोचा कि अब ये पहुंच ही गए और धनुष नहीं उठा तो क्या होगा। तो माता जानकी गई और जाकर के माइक पकड़ा और कहती हैं कि मैं सबको उद्घोष कर ही दूं कि मैंने किसको पसंद कर लिया है और कहने जा ही रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं माताओं की कितनी मर्यादा है ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं गिरा अलिनी पंकज मुख रो की और प्रगट न लाज निशा अवलो की। माताओं बंधुओं जैसे भावरा संध्या होते ही कमल में जाकर के बैठ जाता है ना और कमल बंद हो जाता है उसी प्रकार निशा रूपी लज्जा रूपी निशाने वाणी रूपी भावरे को कमल रूपी मुख में बंद कर दिया है कुछ बोल नहीं पा रहे। आप बताइए माताओं बंधुओं आप लोगों के साथ ये नित्य होता है कि नहीं। कई बार आप लोग भी ये सोचते होंगे कि आज तो मैं सब कही दूंगी बहुत हो गया सुनते हुए बहुत हो गया सहते हुए बहुत सुन ली उनकी आज आने दो सब बताती हूं मैं। लेकिन आप कह पाती हैं क्या अपने मन में रख लेती हैं उस बात को। बशीर बद्री ने बहुत सुंदर इस बारे में कहा एक शेर कि फूल बरसे कहीं शबनम कहीं गौहर बरसे इस दिल की तरफ बरसे तो सिर्फ पत्थर बरसे। माताओं का दर्द है बारिशें खुली छतों पे भी होती है मगर दर्द वो सावन है जो बंद कमरे के अंदर बरसे और हमसे मजबूर का गुस्सा भी अजब बादल है। अपने ही दिल से उठे और अपने ही ऊपर बरसे। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं माताएं स्वयं पर गुस्सा निकाल लेती हैं कि क्या करने की जरूरत थी क्यों इतना सोचने की जरूरत थी। स्वयं का गुस्सा स्वयं के ऊपर जो निकाल ले वो माताएं हैं। तो जब आप गुस्सा नहीं निकाल पाती तो क्या होता है जानते हैं। जब गुस्सा नहीं निकाल पाती तो लोचन जल आंखों में केवल आंसू आ जाते हैं रह लोचन कोना और कोने तक आ जाते हैं और कोने तक आते 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 आप उन्हें सोख लेती हैं अंदर माने नीचे नहीं गिरने देती क्योंकि नीचे गिर गई तो राज खुल जाएगा। रहिमन असुआ नयन धरी निज दुख प्रकट करे जाहि निकारह देह गेह से कस न भेद कही दे। तो उसी प्रकार क्या करती है यहां तक लाके एकदम सिकोड़ लेती है चूस लेती है सोख लेती है। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे परम कृपण का सोना होता है वो छुपा के रखता है किसी को नहीं बताता। वैसे तो आपको बता दूं कृपण शब्द ही अपने आप में बहुत गलत है इसी के बाद धनुष उड़ जाएगा। कृपण शब्द अपने आप में बहुत गलत है। संस्कृत में एक सूक्ति है कृपणेन समो दाता ना भूतो ना भविष्यति। कंजूस से बड़ा दाता कोई नहीं है क्यों इसलिए नहीं है कि कंजूसी ऐसा व्यक्ति है माताओं बंधुओं जो मेहनत करके पसीना बहा के अपने धन को अपनी कमाई को बिना उपयोग किए और बिना उपभोग किए किसी दूसरे को दे देता है। आप बताइए कंजूस ना खुद उपयोग करता है ना उपभोग करता है वो केवल रखा रहता है तिजोरी में और कोई तीसरा चौथा उसका आनंद लेता है बाद में। तो वही कृपण कर सोना है कि सेठ को भी नहीं मालूम कि अंदर कितना सोना है। जैसे परम कृपण कर सोना। इस पर एक घटना याद आ रही है और मैं बता दूं धनुष उठेगा ध्यान दीजिएगा। माताओं बंधु एक सेठ जी थे तो सेठ जी की सेठानी थी और एक पंडित जी उनके यहां जाया करते थे। तो क्या हुआ कि सेठ की जो सेठानी होती है वो उदार होती है और पंडित की पंडितानी होती है वो थोड़ी कंजूस होती है। पंडितानी जानती है कि भाई मेरे पंडित जी ने जब 100 बार जजमान की जय हो और सबकी जय हो और ये किया है तब जाके 10-20 रुपल्ली जजमान ने निकाला है। और सेठानी जानती है कि पहले ही 3 के 13 किए हैं यदि नहीं कुछ दान पुण्य करेंगे तो कोर्ट में चला जाएगा चाहे अस्पताल में चला जाएगा। तो पंडित जी लोग भी वो सेठानी को ही पकड़ते हैं दान करो पुण्य करो ये करो वो करो। तब क्या हुआ कि पंडित जी ने सेठानी को पकड़ा और कहा ऐसा है सेठानी जी गाय दान करो बैतरणी नदी से वही पार कराती है गाय
तो सेठानी गई सेठ जी के पास, सेठ जी गाय दान करनी है हम दोनों को मिलके। पंडित जी ने कहा है, सेठ जी का चुप रहो, फालतू की बात करती हो, ये पंडित जी लोग तो लगाए रहते हैं अपने नियम, कोई गाय वाय दान नहीं, बड़े मेहनत का पसीने का कमाई है, कोई गाय वाय दान नहीं। तो पंडित जी के पास गई, कहा देखो पंडित जी ऐसा है हम दोनों को दान करनी है और सेठ जी मना कर दिए, तो कैसे दान करें। तो पंडित जी और पुराने चावल थे, उन्होंने कहा ऐसा है तो गाय मत दान करिए, आप उसके बदले छोटी सी सोने की गाय दान कर दीजिए। तो कह रहे सेठ जी समझ जाएंगे फिर, अरे कहा कैसे समझेंगे तिजोरी में कितने सोना है, वो तो रखे हुए, अरे कहा देख तो लेंगे। कहा ऐसा करेंगे कि सोने के ऊपर मैं गोबर लीप दूंगा तो लगेगा गोबर की गाय दान कर रहे हैं। ठीक है, पहुंचे सेठ जी, वो गाय दान करनी है, तुमसे कहा ना कोई गाय वाय नहीं। अरे कहा गोबर की गाय है भाई, गोबर की तो कर देंगे। हाँ गोबर की जरूर कर दूंगा मैं, चलो हम दोनों साथ में करेंगे, कोई बात नहीं। अब माताओं बंधुओं, सेठ जी भी तैयार, सेठानी भी तैयार, गाय दान हो गई। अब क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि दोनों की मृत्यु हो गई एक साथ। वैसे ऐसा होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पहले या तो पति जाएगा या पहले पत्नी जाएगी। भाई बड़े सौभाग्यशाली हो कि कोई हवाई जहाज क्रैश हो जाए, कहीं कोई कार भिड़ जाए, कि वो लोग एक साथ चले जाएं तो एक अलग बात है वो भाग्य की। तो यही हुआ कि भाई चले गए दोनों, ऊपर पहुंचे बैतरणी नदी आ गई। बैतरणी नदी आ गई, कैसे पार करें तो देखते हैं, तब तक गाय चली आ रही है। सेठ जी ने कहा वाह कितना अच्छा है, हम लोगों ने गाय दान की, अब हम लोग पार कर लेंगे नदी। तो पूंछ पकड़ के चलने लग गए, तब तक गोबर जो था वो पिघलने लग गया। वो तो पिघलने लग गया तो माताओं बंधु सेठ जी ने कहा अरे ये गोबर पिघल जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे, कैसे जाएंगे पार करेंगे। तो सेठानी ने कहा काहे आप चिंता कर रहे हैं, ये गोबर की गाय वाय हमने दान नहीं की थी। फिर अरे कहा वो जो सोना था ना तिजोरी में, वो सारे सोने की गाय बना के हमने दान की है। तो सेठ जी ने कहा क्या इसका मतलब, तुमने सारा सोना दे दिया क्या। कहा सारा सोना दे दिया, अरे कहा फिर तो मर गए। और इतना करके उन्होंने हाथ छटपटाहट में छोड़ा और वहां पे भी नीचे गिर गए। कहने का अर्थ है मृत्यु के बाद भी जिस प्रकार परम कृपण को अपना सोना प्यारा होता है ना, कि कितना सोना था उसके पास, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी माताओं को अपने आंसू प्यारे होते हैं। कोई ये बता नहीं सकता कि कितने आंसू पीकर, कितने आंसू सोकर, कितना दुख सोकर के अपने साथ चली गई हैं, ये केवल उनका हृदय जानता है। और ये राज की बात उन्हीं के साथ चली जाती है। माताओं बंधुओं, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। तो चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सब सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु ज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति गर्भ केरी कब गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पचितावा, रानिन कर दारुन दुख दावा।